तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट का डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा सर्च किया था तो मुझे इस तरह से डेफिनेशन मिली। अ फ्रेमवर्क टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ राफ्टर्स, पोस्ट एंड स्ट्रट्स सपोर्टिंग अ रूफ, ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर। अभी यहां पर इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक रिवर ब्रिज का। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दो किनारे हैं और उन दो किनारों के बीच से एक रिवर जा रही है, बराबर एक नदी जा रही है। अभी हमें बहुत सारा जो व्हीकल्स है हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना है तो मुझे हमें ब्रिज चाहिए बीच में। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, सिंपली अगर बहुत ही लोड नहीं है ब्रिज पे तो हम क्या करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए सिर्फ एक जो प्लेट होती है मतलब या फिर एक क्या वो डंडे होते हैं वो डंडे को जोड़ करके मैं ब्रिज बना देता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक डंडा लगा दिया, यहां पर एक डंडा, तो यहां पर दो तीन चार डंडे लगा करके हम ब्रिज छोटा सा बना देते हैं। पर मान लीजिए अगर मुझे उस ब्रिज पे से अगर ट्रक या फिर ट्रेन ऐसे भारी भरकम जो व्हीकल्स है उनको अगर मुझे वहां से पास कराना है तो कैसे करूंगा, वो ब्रिज तो टूट जाएगा। तो हमें उस ब्रिज पे कुछ अटैचमेंट लगानी पड़ती है, कुछ हमें फ्रेमवर्क लगाना पड़ता है ताकि अपना ब्रिज सुरक्षित रह सके और वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, उसका जो लाइफ पीरियड है और लाइफ स्पैन है वो उसका बहुत बड़ा हो ताकि हमें बार बार खर्चा ना करना पड़े और कुछ भी जो भी व्हीकल्स उसमें से पास जाने होने वाले हैं वो व्हीकल सुरक्षित पास हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन देखिए, यहां पर एक मैं एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं, इस कैमरा को थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रिवर है, बराबर एक रिवर है, एक यहां पर एक किनारा, दूसरा किनारा यहां पर और उनके बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए ये जो ट्रैक दिख रहे हैं आपको, आई होप कि आपको नहीं दिख रहे होंगे पर सॉरी यार उसके लिए, पर ठीक है तो ये इमेज ऐसे ही मिली है मुझे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ट्रैक अपना ब्रिज हो गया और ये ऊपर जो मैंने वर्टिकल मेंबर और इंक्लाइंड मेंबर जो बनाए हुए वो अपने बन गया ट्रस, क्योंकि वो फ्रेमवर्क है और अपने ब्रिज को सुरक्षित रीत्या बना रहा है वो, मतलब सुरक्षित बना रहा है वो अपने। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप कि एक ट्रेन यहां से जा रही है और वो एकदम सुरक्षित तरीके से दूसरे किनारे पे चला जाएगा। तो क्या हुआ, हमने एक ऑर्डिनरी ब्रिज को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक एकदम ही ताकतवर ब्रिज में। तो कैसे हुआ वो हमने बस सिंपली कुछ उस पर मेटल एलिमेंट लगा दिए, एक आड़ा टेढ़ा डंडा लगा दिया उस पर और हमारा हो गया। तो क्या आपने जो ये यूज किया है, क्या इसके पीछे साइंस है कि हमें एक डंडा ऐसा ही लगाना चाहिए, एक डंडा वर्टिकल होना चाहिए, दूसरा डंडा इंक्लाइंड होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ साइंस है? तो हाँ, इसके पीछे साइंस है कुछ ना कुछ तो, और वही हम इसमें समझने वाले हैं कि अगर कोई ट्रस हमें दिया होगा तो उसके अंदर फोर्सेस कैसे बनते हैं। मतलब इस ट्रेन का अगर वेट 50 किलो न्यूटन है, ठीक है, तो अपने ट्रस में इंडिविजुअल मेंबर में कितना फोर्स आएगा, मतलब इस मेंबर में कितना फोर्स आएगा, ये जो मेंबर है वो इसमें कितना फोर्स आएगा, इसमें कितना फोर्स आएगा, वो हमें उस मेथड से हम ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो दो मेथड्स है, एक तो है मेथड ऑफ जॉइंट्स, वो भी हम समझेंगे क्या होता है, और दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, वो भी हम समझेंगे क्या होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये पहला डायग्राम है। उसके बाद में कुछ और डायग्राम ऐसी भी है कि यहां पर भी एक किनारा है, दूसरे की तरफ भी एक किनारा है, बीच में एक रिवर जा रही है और यहां पर हमने ब्रिज बनाया हुआ है। अभी ये ब्रिज अलग है इस ब्रिज से, ठीक है, ये ब्रिज अलग है और ये ब्रिज अलग है, ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है, बराबर ये क्यूबॉइडल ब्रिज है, तो इसका ज्योमेट्री कुछ अलग है और उसका ज्योमेट्री कुछ अलग था। ठीक है, सॉरी यार इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इमेजेस थोड़ी सी बहुत ही गंदी इमेजेस है, अच्छा दिख नहीं रहा है उसमें से, क्वालिटी खराब है इसमें। ठीक है, पर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूं मैं। अभी देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये फ्रेमवर्क आपके घर के छत को भी सही से सपोर्ट करता है। तो कैसे करता है, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर एक घर का छत है, मतलब छत नहीं है, छत बिछाई नहीं है अभी तक, पर हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो इंक्लाइंड पार्ट है ना, ये उसका रूफ का पार्ट है, रूफ अभी तक बिछाई नहीं है हमने,
पर उस रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेमवर्क जरूरी है वो हमने बनाया हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो में, कि ट्रस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी है ट्रसेस में तो प्लीज आप सर्च कर लीजिए गूगल पे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कैसे दिखता है। मेरे पास ये तीन ही ये डायग्राम्स थे या फिर इमेजेस थे जो मैंने प्रिंट करवाई है, ठीक है, और वो भी अच्छे से प्रिंट नहीं हुई है तो माफी चाहता हूं उसके लिए, ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्रस क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा। उसके अभी अगले जो वीडियो है ना उनमें हम एजम्पशंस देखेंगे कि ट्रस को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक एजम्पशंस क्या मानने वाले, फिर बाद में हम कुछ और एक थ्योरेटिकल वीडियो करेंगे जिसमें हम जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है वो भी हम समझेंगे और उसके बाद में ही हम जो न्यूमेरिकल्स है उन पे जंप मानेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ लेंगे, ठीक है, तो आप वो भी वीडियो देखिए प्लीज, ठीक है जी। तो आई होप कि आप आज की वीडियो जो है वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, अगर आप पूरी तरह से समझ गए हो कि मैंने क्या बोला इस वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।